60 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 की मौत की खबर है जबकि 25 से 30 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र का रायगढ़, जहां पर कल 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई थी। उर्वशी खोना मौके पर मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। उर्वशी, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? 25 से 30 लोग जो फंसे हुए थे, क्या उन्हें निकाला गया? जी नहीं, अभी भी हम रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे है। 16 घंटों से ज़्यादा हो गए हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से सारे जो जेसीबीज है और सारी एजेंसीज, फिर वो एनडीआरएफ हो, लोकल पुलिस हो, या मुंबई फायर ब्रिगेड या यहाँ की फायर ब्रिगेड हो, ये सारे लोग मिलकर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कैरी ऑन कर रहे हैं। अब तक एक पर्सन जो है डेड है और वहीं बाकी के लोग मिसिंग है। कुछ 20 ऐसे लोग मिसिंग है जो मलबे के अंदर फंसने की शंका बताई जा रही है और इसीलिए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हम बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं ये पूरी की पूरी जो ये बिल्डिंग है ये बहुत ही पुअर मटेरियल से बनी थी और इसी के चलते ये कोलैप्स हुआ है। एफआईआर दर्ज हुई है। आइए हम और जानकारी लेते हैं रायगढ़ के कलेक्टर निधि चौधरी, इनके साथ जो हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। मैम, ये बताएं कि अभी फिलहाल क्या सिनारियो है, कितने लोग अभी भी फंसने की जो है शंका जताई जा रही है? कल शाम में 7 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ साइट पर चल रहे हैं और एनडीआरएफ की 3 टीम यहाँ बुलाई गई है। फिलहाल हमने इस बिल्डिंग में कुल 41 फ्लैट्स थे, उन सभी फ्लैट के ऑक्यूपेंट्स का लाइन लिस्ट बना के कॉन्टेक्ट ट्रेस किया, आइडेंटिफाई करके लिया उनको। अभी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, 17 लोग अभी भी मिसिंग है, 1 की डेथ हो चुकी है और 7 लोग इंजर्ड थे जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैम, ये बिल्डिंग देखने में तो कहीं पे भी डिलैपिडेटेड नहीं दिखती थी, नहीं कल इतने जोरों की बारिश थी कि जिसके चलते ये चीज़ें हुई, ये पूरा का पूरा क्रिमिनल नेगलिजेंस दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्डिंग 2011 में इसको बांधकाम परवानगी दी गई थी, उसके बाद 2013 में इसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया गया था, उसके बाद ही लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया था। उर्वशी, लेकिन समझा जा सकता है कि कल ये हादसा हुआ था और अभी भी अगर 25 से 30 लोग वहां फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, तो उनकी जान पर भी खतरा हर पल के साथ आगे बढ़ रहा है। आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। उर्वशी, हम तक रिपोर्ट पहुंचाती रहेंगी।